देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सूक्ष्म मध्यम लघु उद्यम केंद्रीय भाजपा मंत्री नारायण राणे जी की 30 जून को दमण में जाहिर सभा, जिसमें दमण, सिलवासा, दादरा, नगर हवेली, वापी के भाजपा के सभी नेता, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी संघ के पदाधिकारियों के द्वारा नारायण राणे जी का स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में दमण, सिलवासा, दादरा, नगर हवेली और वापी की जनता मौजूद रही। आज की इस जाहिर सभा को भाजपा के पदाधिकारियों ने जनता को भाजपा के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 साल के यशस्वी कार्य और अलग अलग योजनाओं के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी ने संबोधित किया और सभी का अभिवादन किया। जाहिर सभा के बाद दमण के मराठी बांधुओं के साथ 3 बजे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी ने की खास मुलाकात। देखिए जगत न्यूज 24 दमण से कोमल सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिला के उपाध्यक्ष लक्ष्मी बेन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा दृष्टि के कारण ही हमारे दमण की और दादरा नगर हवेली का आज चौमुखी विकास देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्षों के शासनकाल में हमारे संघ प्रदेश का जितना विकास हुआ है उतना आजादी के बाद के 55 वर्षों में भी नहीं हुआ। मोदी सरकार के आने के पहले देश में सरकारें तुष्टिकरण की राजनीतिक सोच के साथ योजनाएं बनाती थी, मगर मोदी सरकार आने के बाद देश में आम जनता जनार्दन के हितों को ध्यान बाही और वेनो आज के महासंपर्क अभियान में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री लालू भाई पटेल, आदरणीय दीपेश तांडे जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, आदरणीय जिलाध्यक्ष जागृति बेन, महानगर पालिका अध्यक्ष SP दबाणिया, आदरणीय रामजी भाई, लक्ष्मी बेन दीव जिला पंचायत उपाध्यक्ष, आदरणीय खीड वाझा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलता बेन, श्रीमती रश्मि बेन, सिंपल तांडेल जी महिला मोर्चा अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडिया के सभी माननीय पत्रकार, उपस्थित सभी भाई और बहनों और दोस्तों, लोकसभा संपर्क अभियान के माध्यम से मैं आज दीव दमन विभाग में आया। पिछले 2 दिन अहमदाबाद में था, आज सभी को मिलने के लिए मैं आया।